हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40-50 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए होती है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर शेयर करते हो। आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये जो एग्जाम है ना, इनमें से किसी के भी एग्जाम के आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन है जो कि कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस डे के क्वेश्चन कवर करेंगे, आज के सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट और आज के कुछ सवाल है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो मैंने कल आपसे पहला सवाल पूछा था कि औरंगजेब को डिक्लेयर किया गया था एम्परर दिल्ली में कौन से साल के अंदर, तो ये किया गया था 1659 के अंदर। ठीक है गाइस, तो आपका यहाँ पे सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया है किसको प्रोटेक्ट करने को लेकर, तो ये टर्टल को दोस्तों प्रोटेक्ट करने को लेकर लॉन्च किया था। पुराना है वैसे, लेकिन अभी रिसेंटली वापस से किया है। नेक्स्ट है, कौन सी टीम जो है वो इंडिया को हटा के टेस्ट की नंबर वन टीम है जो कि बन गई है, तो ये न्यूजीलैंड है। और आज से मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो भी स्टार्ट होने वाली है आज से ही ना मेरे ख्याल से। हाँ, तो देखते हैं कौन जीतेगा वर्ल्ड कप पहला टेस्ट मैच का। फर्स्ट मैन टू विन ऑल फोर मेजर ग्रैंड स्लैम ट्वाइस, दो बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर का नाम क्या है, वो है दोस्तों आपके जोकोविक। तो ये थे आपके चार महत्वपूर्ण सवाल। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ना है, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं, जहां पे अगर आप किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपसे रेफरल कोड पूछेगा, तो आपको BHU10 या BHUNESH10 है जो कि यूज करना है। आप इसको UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके बेनिफिट है गाइज। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे गोल सिलेक्ट करना है। आपका गोल हो सकता है SSC, UPSC, कोई गेट एग्जाम हो सकता है, कोई IIT हो सकता है, कोई नीट हो सकता है, कोई CAT हो सकता है, CLAT हो सकता है, कोई भी एग्जाम आप सिलेक्ट करिए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 महीने, और नीचे आपको BHU10 है जो कि आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए। और अगर आपको जीके पढ़नी है कंप्लीट, तो SSC का जीके का बैच चल रहा है मेरा, जहां पे मैं हिस्ट्री से मैंने शुरुआत है जो कि करी है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नया चैनल बना है, कमेंट में आपको दे दूंगा इस चैनल का लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए कोट ऑफ द डे देखते हैं जो कि अभिषेक के द्वारा भेजा गया है। क्रोध करना गर्म कोयले को हथेली पे रखने के समान है, जिसे हम दूसरों पे फेंकना चाहते हैं पर इस क्रिया में हम खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा बोली गई और अभिषेक मालविया ने इसको कोट किया है। तो गाइज, हमेशा आपने देखा होगा कि आपको इंस्टेंट जो है ना वो रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप किसी को पे भी गुस्सा करते हो तो सबसे पहला पर्सन कौन होता है जिसको सबसे ज्यादा दुख होता है, परेशानी होती है, जो परेशान होता है वो कोई और नहीं, गुस्सा करने वाला ही होता है। समझ गए, आप गुस्सा कब करते हो? अगर आपको मैं बोल रहा हूं आप बहुत खुश हो, आप गुस्सा करके दिखाओ। आप जब भी खुश रहते हो कभी गुस्सा नहीं कर पाओगे। गुस्सा तब करते हैं जब इंसान जो है बहुत परेशान होता है। तो समझिए, सबसे पहला इंसान जो कि परेशान हुआ है वो आप ही हुए हो जब आपने किसी को बोला है, और तब सेकेंडरी पर्सन होगा जिसको आपने डिलीवर किया है। ओके, तो गुस्सा वुस्सा मत क्या करो, कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है अगर आप गुस्सा नहीं करते तो। 60% चीजें तो वैसे रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है गाइज, तो और कभी भी किसी को गुस्से में कुछ भी ना बोला करो, सबसे पहले आप ही को नुकसान होगा क्योंकि आप ही को सबसे ज्यादा हर्ट है जो कि होने वाला है। ठीक है गाइज, तो थोड़ा सा कंट्रोल क्या करो, आपकी लाइफ में बहुत एडवांटेज है जो कि इससे मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि है दैनिक का फ्रंट पेज। दैनिक के फ्रंट पेज की बात करेंगे, दिल्ली पुलिस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है 3 स्टूडेंट की बेल को लेकर राइट्स केस में। तो मैंने कल ही बोल दिया था कि दिल्ली पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो ये देखिए आज वही न्यूज है। आपको मालूम है दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है इनको बेल दे दी है तीनों बच्चों को, और बोल दिया है कि अब राइट टू प्रोटेस्ट को जो है UAPS से रिलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, दोनों बहुत ही अलग है। तो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने तो इनको बेल दे दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है वो इंस्टेंट जो है इनको रिलीज भी नहीं होने दिया। ये बोला कि हम सत्यापन कराएंगे इनका, इनका एड्रेस कौन सा है ये वो हमें 2-4 दिन चाहिए, और अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हारने वाले हैं वैसे ये, मतलब दिल्ली पुलिस को पता नहीं क्या मजा आ रहा है बेइज्जती कराने में। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी सेम ही ऑर्डर देगा। सुप्रीम कोर्ट तो और 4 बातें सुनाएगा इनको। तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जो जनरल है अपने तुषार मेहता जी, वो भी बिन बात ही मतलब वो कर रहे हैं, होम मिनिस्टर की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, और बिन बात ही सुप्रीम कोर्ट में जाके और बेइज्जती करवाने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे ये तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु ने जितने भी नंबर दिखाए ना डेथ के, उससे 4 गुना ज्यादा नंबर है दोस्तों जो कि यहाँ पे बताए गए। धीरे धीरे सभी राज्यों की जो रियलिटी है ना वो सामने आ रही है, समझ गए, वो सामने। जैसे कि पहले बिहार के अंदर बताया गया था कि नंबर बहुत कम दिखाया गया डेथ का,
अभी तमिलनाडु के अंदर भी यही बताया गया है, तो वो तो खैर सभी को मालूम है कि इंडिया के अंदर जितनी डेथ बताई गई है ना, उससे 1/10 ही डेथ है जो कि रियल में बताई गई है। हमारे देश में 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोविड की वजह से। नंबर जो दिखाया गया वो 2-3 लाख के आसपास है जो कि दिखाया गया है। यूपी पुलिस ने दोस्तों ट्विटर को और कुछ न्यूज पोर्टल है, कई कुछ एक जर्नलिस्ट है, उन सबको दोस्तों जो है उनके खिलाफ FIR जो कि यहाँ पे दर्ज करी है। देखिए ये मुद्दा क्या है आपको बता देता हूँ, पेपर के पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए फिर भी इम्पोर्टेंट, फिर भी डे टू डे नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था जिसमें एक मुस्लिम पर्सन ने बोला कि मुझे कई लोगों ने मारा, मेरी दाढ़ी काट दी और मुझे ना चैंटिंग करवाई गई श्री राम, ऐसे करके एक वीडियो बहुत वायरल हो गया। उसके बाद में कई सारे पॉलिटिशियन ने भी इसको शेयर किया, कई सारे न्यूज पोर्टल ने शेयर किया, ट्विटर के ऊपर भी ये बहुत ही वायरल हुआ है ना। उसके बाद में यूपी पुलिस ने जो है जब कार्रवाई करी तो पता लगा, तब जिसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है इसमें इस केस के अंदर, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के हैं, समझ गए। तो ये बोला गया कि बिन बात इसको जो है वो एक रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है, और ये जो मुद्दा था वो आपसी रंजिश का मुद्दा था, उस आदमी ने जो है किसी को ताबीज दिया, वो काम नहीं कर रहा था ताबीज, तो लोगों ने आके उसकी कुटाई कर दी। तो ये पुलिस के द्वारा बताया गया, उस आदमी के द्वारा जो वीडियो था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों पक्षों का हमने देख लिया। ट्विटर को इस बार बुक क्यों, यहाँ पे ट्विटर के ऊपर केस क्यों किया गया है, आप बोलोगे सर ट्विटर तो थर्ड पार्टी पोर्टल है, लेकिन आपकी बात सही थी। कुछ दिन पहले तक दोस्तों थर्ड पार्टी पोर्टल था, लेकिन नए IT लॉज के हिसाब से ट्विटर दोस्तों अपना जो इम्यूनिटी पावर था जो उसके पास में, जिसके जिसको उसको थर्ड पार्टी माना जाता था, वो अभी नहीं रहा उसके पास में। हमने बात करी थी ना कि ट्विटर ने कई सारे ऑफिसर अप्लाई यहाँ पे कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया, ऑफिसर अपॉइंट नहीं करे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्विटर को थर्ड पार्टी मानने से मना कर दिया। अभी कोई भी केस होता है तो ट्विटर के ऊपर भी होगा, तो यहाँ पे ट्विटर भी है। इसके अलावा द वायर के जर्नलिस्ट है सबा नकवी, फैक्ट चेकर है एक और जुबिन करके है ना, ऑल्ट न्यूज करके है जो कि फैक्ट दिखाते हैं वैसे ये, खैर इसके ऊपर है ना। तो कैसे कई लोगों को जो है इसके अंदर केस में रजिस्टर है जो कि किया गया है। आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है, ट्विटर कैसे इसको हैंडल करेगा, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में। यहां पे बात करते हैं दोस्तों जो कि है ड्रोन्स को लेकर। ओके, ड्रोन्स जो है वो जल्दी डिलीवरी को लेकर काम में ले जाएंगे। किसकी डिलीवरी को लेकर, COVID-19 की वैक्सीन को डिलीवरी को लेकर। जो रिमोट एरिया है, जो बहुत ही हार्ड एरिया है, जहाँ पे ज्योग्राफी बहुत ही माउंटेन, बहुत ही क्लाइमेटिक कंडीशन हार्ड है, या फिर ज्योग्राफी उनकी बहुत ही हार्ड, रिमोट एरिया में देखिए हिमाचल अगर आप जाओगे, उत्तराखंड अगर आप ऊपर जाओगे, नॉर्थ ईस्ट जाओगे, तो बहुत ही ऐसे रिमोट एरिया होते हैं पहाड़ के, पार करके आपको मतलब जाना पड़ता है, काफी ट्रैक करना पड़ता है। तो वहां पे दोस्तों ड्रोन से डिलीवरी करने के लिए बोला गया है। ICMR के जो हेड है, एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज के जो हेड है समीरन, उनके द्वारा दोस्तों बोला गया है कि एक मॉडल है जो कि डेवलप कर रहे हैं हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करेगी, और वहां पे IIT कानपुर के साथ में कोलैबोरेशन है जो कि इसमें किया जा रहा है, और IIT कानपुर है जो कि इसके अंदर हेल्प करेगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे दोस्तों ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी को लेकर है। जानेंगे ये फर्टिलाइजर की सब्सिडी होती क्या है, क्यों दी जाती है, इसके बारे में भी। यहाँ पे दोस्तों कोलकाता की जो पुलिस है उसने भी 1 घंटे जो है मिथुन चक्रवर्ती उर्फ कोबरा को जो है वो बिठा के रखा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती के भी बुरे दिन आ गए, क्योंकि इन्होंने कुछ स्पीचेस दी थी आपको मालूम है पहले कि मैं बाइट करूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, डेथ हो जाएगी एक स्ट्राइक में, ऐसे कई सारे डायलॉग मार के गए थे मोदी जी की रैली के अंदर। इनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन हार गई, अब ममता बनर्जी जो है वो एक एक करके जो है इनको उठाने वाली है, तो वो वाली कहानी है जो कि स्टेट में चल रही है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि है एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर। देखिए पहले समझने की कोशिश करें होता क्या है, कि जब हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद में हमने सब्सिडी देना चालू किया था, किसकी, फर्टिलाइजर की। गांव के अंदर क्या होता है, जब भी आप खेती बाड़ी करते हो तो आपको फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। अब देखो फर्टिलाइजर के रेट तो क्या होते हैं, वेरी होते रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा हो गए, कभी कम हो गए, कभी बहुत ही ज्यादा हो गए। अब किसान तो इतना परचेज कर नहीं सकता, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में क्या किया गया था, सरकार ने बोला था कि भाई हम एक फिक्स प्राइस कर देंगे आपके फर्टिलाइजर की, अब उसके ऊपर चाहे कितना ही प्राइसेस बढ़े, अगर कुछ बढ़ेगा तो सरकार जो है वो पैसा देगी उन कंपनियों को, और आपके जो फर्टिलाइजर के प्राइसेस है हम उसको फिक्स रखेंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे हम उसको। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों सरकार ने क्या किया, सब्सिडी वाली फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम है जो कि ये लोग लेके आए थे, समझ गए, जिसमें बोला जाता है कि जो भी MRP होगा ना फर्टिलाइजर का, ओके, वो उसी के ऊपर जो है ये लोग क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे। अब इसकी प्राइसेस बढ़ती है मार्केट में, घटती है, उसका ज्यादा इंपैक्ट है जो कि किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे कि नीम कोटेड जो यूरिया आता है ना, वो गवर्नमेंट ने दोस्तों इसकी प्राइस फिक्स करी हुई है नियर बाय 6,000 रुपए
पर टन के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसकी मार्केट की कॉस्ट देखोगे तो दोस्तों 17,000-23,000 टन तक दोस्तों ये मैन्युफैक्चर करने और इंपोर्ट करवाने के बाद में पड़ जाता है। तो इसका इंपैक्ट जो है वो इसके ऊपर नहीं पड़ने देते, फिक्स प्राइसेस कर रखी सरकार ने। इसके ऊपर का जो पैसा है ना, ये जो गैप है, ये सरकार क्या करती है, ये कंपनी को ट्रांसफर करती है, समझ गए मेरी बात। और इसमें जो डिफरेंस होता है वो प्लांट वाइज प्रोडक्शन कॉस्ट, इंपोर्ट प्राइस, ये सब जो है सेंटर देखता है। उसके बाद में सब्सिडी है जो कि कंपनी इसको देता है। अब देखिए एमआरपी इसमें क्या होता है कि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो डीकंट्रोल्ड है, ठीक है, कंपनी जो है उसको रेगुलेट करती है। लेकिन सरकार क्या करती है, फ्लैट पर टोन सब्सिडी जो है इसके ऊपर भी अवेलेबल करवाती है, समझ गए। जैसे कि पर टोन सब्सिडी जो है वो 10,000 से लेकर 24,000 के बीच में रहती है, समझ गए। अब इसमें भी क्या होता है कि डीकंट्रोल्ड फर्टिलाइजर, बहुत सारे जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो सरकार कंट्रोल नहीं करती है, वो कंपनी कंट्रोल करती है, समझ गए, ठीक है गाइज, ये वाले सीन है। लेकिन जो यहाँ पे मेजरली है, ये देख सकते हो आप, सरकार ने क्या किया था, एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भी निकाली थी कि कोई भी किसान जब डायरेक्टली सामान लेगा ना, जब फर्टिलाइजर लेगा, तभी वो पैसा जो है वो क्या किया जाएगा, आगे जाके कंपनी को दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे किया गया था। पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, वहां पे जाके आप जब लेते हो ना, उतना ही पैसा जो है वो कंपनी को सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है गाइज, ये वाली बात है। अभी इसके अंदर चेंज प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर ये कर दिया गया था कि भाई 100 kg जो है आप ले सकते हो, उससे ज्यादा ले नहीं सकते हो, 100 bag जो है इसके अंदर बोल दिया गया था कि एक इंडिविजुअल इतने ही परचेज कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक बार में 100 bag ले सकता है, एक आदमी ले सकता है, ये नहीं बोला गया था। तो इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे जो है लोग ब्लैक मार्केटिंग भी करने लग जाते हैं, ठीक है गाइज। चलिए अब देखिए, जैसे कि आपको मालूम है ना, यूरिया के बाद में सेकेंड सबसे मोस्ट कॉमनली जो फर्टिलाइजर है वो आपका DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ओके। इसके अंदर फास्फोरस का कंटेंट है जो कि काफी हाई प्रोपोर्शन होता है, ये देखिए 46%, 18% नाइट्रोजन। ये पेपर में पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली पेपर के अंदर सवाल है जो कि बनता है, ठीक है गाइस। चलिए सिमिलर जो है यूरिया के जैसे ही सिमिलर है जो कि होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट स्कीम जो है वो सब्सिडी स्कीम जो है वो फर्टिलाइजर के लिए है। यहाँ पे यूरिया की प्राइस है जो कि फिक्स करी गई है, ओके चलिए, ठीक है। और जो नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर है, यहां तो हमने यूरिया की बात करी, उनको हम लोग न्यूट्रिशन के हिसाब से दोस्तों सब्सिडी है जो कि अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि जितना न्यूट्रिशन होगा, NPKS जितना होगा ना, उसके हिसाब से दोस्तों उनकी रेट है जो कि डिसाइड करी जाती है, ओके गाइज। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे NPK का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो फर्टिलाइजर यूज करे जाते हैं वो 4:2:1 के रेशियो में जो है वो करे जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और, ठीक है गाइज, पोटेशियम, ये इस हिसाब से जो है उनको यूज है जो कि किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी कि क्यों हम जो है सब्सिडी अवेलेबल करवाते हैं, किन चीजों की करवाते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। आप 50 kg का अगर बैग की बात करें ना, तो इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ के मेरे ख्याल से कितना 1200 रुपए के आसपास है जो कि हो रही थी, जिसमें से 500 रुपए की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है और किसान को 700 रुपए के आसपास है जो कि ये पड़ेगा। तो प्राइसेस बहुत ज्यादा है जो कि बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने अपनी सब्सिडी भी इसके अंदर बढ़ा दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर जो है ना वो 140% हाइक है, ओके, जो कि हो गया था, तो इसलिए रिलीफ देने के लिए इसको किया गया है। ये देखिए फार्मर ने तो, ये भी फार्मर के जो ग्रुप है उनका कहना है कि 700 रुपए पर बैग की जो प्राइस है ये भी बहुत ज्यादा है। बात जेन्युइन है, पहले इतनी प्राइस नहीं हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, लेकिन इसके भी प्राइसेस बढ़े, तो 700 रुपए पर बैग है और मार्केट में अगर आप देखोगे तो 1200 रुपए के हिसाब से, तो इसलिए 500 रुपए की सब्सिडी है जो कि सरकार यहाँ पे दे रही है, ठीक है गाइस। वन टाइम मेजर है जो कि रिलीफ देने के लिए किया गया है, ठीक है। इसके अंदर सब्सिडी कितनी की, 14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है जो कि सरकार के द्वारा दिए जा रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पूरा मुद्दा आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 2 पे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या किया, एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया है। आपको मालूम होगा दोस्तों कि दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी, स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी की शुरुआत है जो कि करी गई थी, ठीक है गाइज। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, क्योंकि बहुत कुछ अभी डिस्कस करना बाकी है। चलिए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है, पहले एक दिल्ली स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, ओके, जो कि सेटअप करने के लिए बोला था, सेटअप करी है, जिसमें यूथ जो है ना लो इनकम का या फिर स्लम कम्युनिटी का, ओके, उनको क्या किया जाएगा, ज्यादा चॉइसेस दी जाएगी कि आप कैसे अपनी
कौन सी स्किल को आप अपनी इंप्रूव है जो कि कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसका नाम दिया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट है जो कि इसका नाम दिया गया है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले इसलिए दोस्तों इस स्कीम को लाया गया है। एक लाइट हाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन है उसके साथ में मिलकर जो है इसको किया गया है, समझ गए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप अगर पेपर में पूछेंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको ध्यान रखा है दिल्ली के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और अपने जो अपने स्माइल फ्रॉल जो है ना उसके अंदर भी ये कंपलसरी है कि कोई भी बच्चा अगर 8th क्लास के बाद में अगर एजुकेशन ले रहा है ना स्माइल फ्रॉल से किसी भी स्कूल के अंदर, तो उसको स्किल ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी है। अगर वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो उसको म्यूजिक की जरूरी है, स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में, ओके। तो इसलिए हमने स्माइल फ्रॉल के अंदर भी कंपलसरी किया हुआ है ताकि अगर वो कोई भी चीज बचपन में 4 साल भी अगर स्कूल के टाइम पे सीखता है तो कॉलेज में आने के बाद में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को ही अपना करियर है जो कि बना सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्कूल के डाटा को लेकर, ठीक है गाइज। चलिए यहाँ पे एक बहुत ही फनी सी फोटो बनाई गई है, क्रिकेट मैच खेल रहे थे LGP की जो पार्टी है ना पॉलिटिकल पार्टी वो, तो यहाँ पे सारे के सारे लोग बैट बॉल सब लेके भाग गए नीतीश कुमार के पास में और चिराग पासवान अकेले रह गए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कि है एजुकेशन को लेकर। देखिए हमारे यहाँ पे दोस्तों बोलने के लिए, मैं पहले भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे बोलने के लिए लिटरेसी रेट 74% है अगर 2011 के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से तो 90-95% होगी, ओके। लेकिन उसके अंदर मतलब क्या होता है, सिर्फ आप लिख और पढ़ सकते हो, उसके अंदर ये नहीं बताया जाता कि कितने बच्चों ने 10th क्लियर करी है, 12th क्लियर करी है, ग्रेजुएशन करी है। हालात दोस्तों बहुत ही खराब है अगर अभी भी बात करें जाए तो, रिसेंटली 2019 और 20 के अंदर दोस्तों स्टडी करी गई है ना, जो डाटा आया था सरकार का उसमें बताया गया है कि देखो 70% इंडिया के अंदर आपको मालूम है आज भी 65% इंडिया जो है वो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो गांव को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो गांव की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात के अंदर सिर्फ 29% ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूलिंग है जो कि यहां पे करी है, मात्र 29%, ओके। वहीं केरला की अगर बात करें तो 93% है केरला के अंदर। सिमिलरली अगर मेल की बात करें, मैं बात कर रहा हूं रूरल एरियाज की और मैं बात कर रहा हूं गुजरात की, तो गुजरात में गर्ल्स की बात करें तो मात्र 29% गर्ल्स है जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल में जाती है, और लड़कों की बात करें तो मात्र 45% है। यानी कि सिर्फ स्कूल में डालना ही जो है वो सफिशियंट नहीं होता है, ये भी जरूरी है, इंश्योर करना जरूरी है कि बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, 10th 12th ग्रेजुएशन जो है वो अपनी कंप्लीट करें। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है तो वो इतना एलिजिबल हो जाता है ठीक ठाक कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर लेगा, लेकिन अगर छोटे स्कूल में अगर वो बच्चा ड्रॉप आउट हो गया तो फिर उसके करियर का उसके लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 29% गर्ल्स और 45% बॉयज। अगर केरला की बात करें, केरला में दोस्तों 93% है जो कि रूरल एरिया में भी गर्ल्स स्कूल जाती है, ओके। और बॉयज की बात करें तो यहाँ पे 90% है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा डाटा है जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए अगर आप 16-17 साल तक के अगर बच्चों की बात करें तो हालात रूरल इंडिया के अंदर, रूरल गुजरात में, और गुजरात में क्या पूरे स्टेट में बता रखा है जिसमें 3 राज्यों की हालत बहुत अच्छी है, मैं 4 को कंसीडर कर लेता हूं, केरला 90%, गोवा, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए हिमाचल, तेलंगाना, मणिपुर, महाराष्ट्र, और नीचे देखिए गुजरात, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इधर देखिए कितने कम नंबर आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से फीमेल में बात करें तो ऊपर के 5 राज्य बहुत अच्छे हैं, जम्मू कश्मीर को भी ले लो 80% के समवेयर है, लेकिन उसके बाद देखिए गुजरात सबसे नीचे है, त्रिपुरा, आंध्र, बिहार, ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है ना सबसे नीचे जो है वो यूपी और बिहार, राजस्थान, MP, इनमें से कोई भी राज्य देखने को नहीं मिला है, वरना मेजरली जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तो 4-5 राज्य है अपने, इन्हीं में से लोवेस्ट रैंक है जो कि देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। तो ड्रॉप अटेंडेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि जैसे जैसे ऊपर क्लास में जाते हैं अटेंडेंस कम होती जाती है बच्चों की, लेकिन केरला के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पे अटेंडेंस बढ़ी है, तो एक ये एक्सेप्शन है केरला, अदरवाइज तो बाकी सबका सेम पैटर्न है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि डीप ओशन मिशन को लेकर। देखिए होता क्या है, जब आप समुद्र के नीचे जाओगे 5000 मीटर यानी कि 5-6 किलोमीटर नीचे, तो बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि होते हैं, उन मिनरल्स को पता करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या है कि हम लोग ने क्या किया, रिसेंटली एक डीप ओशन मिशन है जो कि लॉन्च किया है, ठीक है गाइस। हम लोग दुनिया के कुछ कंट्री में से एक है जिसने इस तरीके से इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया है, हालांकि ये नया नहीं है, लास्ट ईयर भी 2019 में भी लॉन्च किया गया था, जब 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, तब 4077 करोड़ रुपीज का अनाउंसमेंट है
जो कि किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है ना, हर्षवर्धन जी जिसके मिनिस्टर है, उन्हीं के अंडर में दोस्तों ये काम है जो कि आता है। समझ गए मेरी बात। तो यूनियन कैबिनेट ने दोस्तों अप्रूवल दिया है लॉन्ग पेंडिंग डीप ओशन मिशन को, जिसके अंदर सबमर्सिबल व्हीकल के द्वारा डेवलप करके 6000 मीटर ओशन के फ्लोर को हिट करके आप मेटल्स के बारे में जो है वो पता करोगे। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज है जो कि इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, 2021 से 2024 का पहला फेज है, ओके, और उसके बाद में सेकेंड फेज है जो कि इसके अंदर स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों क्या किया जाएगा, सबसे पहले सबमर्सिबल व्हीकल्स है जो कि डेवलप करे जाएंगे, जो कि इतना नीचे तक जो है वो जा सके। ठीक है गाइस, साइंटिफिक सेंसर लगाना, टूल्स लगाना, माइनिंग करना, पॉलीमेटल, जो पॉलीमेटल के क्या होते हैं, नूडल्स होते हैं, जमीन के नीचे क्या होते हैं, नूडल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, एक तरीके से पॉलीमेटल बोलते हैं, यानी कि कई सारे मेटल से बने हुए होते हैं वो, तो उनको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसीलिए स्टडीज है जो कि करी जाती है। ठीक है गाइस, इसके अलावा आप देख सकते हैं कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन, ये जो एक्सप्लोइटेशन जो है, जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये जो है इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत ही है जो कि होता है, इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा परमिशन लेने के बाद ही दोस्तों ये काम है जो कि कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसमें क्लाइमेटिक वेरिएबल्स और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। ये देखिए, मिनरल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, है ना, डीप सी के अंदर फ्लोरा फ्यूना को पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के अंदर इसके अंदर 8000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था, और 75000 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है जो कि यूएन के द्वारा दिया गया है इंडिया को। इसके द्वारा क्या होता है, यूएन का एक बॉडी है, यूएन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, उसके द्वारा एक एरिया स्पेसिफाई किया जाता है ओशन के अंदर कि इतने एरिया में आप ये कर सकते हो, ताकि ओशन मरीन लाइफ को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आप ना करो। तो इसलिए 75000 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है जो कि दे रखा है, जिसमें आयरन, मैग्नीज, निकल के बारे में हम लोग पता करेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, ये आप व्हीकल्स बनाते हो, इस तरीके से आप मॉड्यूल्स भेजते हो, जमीन में जाके पता करते हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीमेटेलिक नूडल्स है ना, ये मेन कारण है जिसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। राउंडेड पोटैटो के जैसे राउंडेड होते हैं ये कंपोजिशन, और मिनरल्स में इसमें काफी सारा निकेल, कोबोल्ट, कॉपर, काफी सारी चीजों का मिक्स है जो कि ये होता है। ओके, नियर बाय 6000 मीटर के ऊपर आपको देखने को, नीचे जो है देखने को मिलते हैं ये जो मेटल्स है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सोलर पैनल में, बैटरीज में, स्मार्टफोन में, बहुत जगह पे दोस्तों काम है जो कि आते हैं। ठीक है गाइज, चलिए, ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 के अंदर जिसका फॉर्मेशन हुआ था, तो वो एरिया क्या करती है, डीप सी माइनिंग के लिए अलोकेट करती है ना। इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री था जिसको पायनियर इन्वेस्टर के तौर पे 1987 के अंदर एरिया जो है वो अलोकेट किया था, पहला कंट्री था इंडिया, लेकिन हमने दोस्तों इसके ऊपर काम नहीं किया। अगर हम लोग पिछले 10-20 सालों से काम कर रहे होते तो मेरे ख्याल से काफी नई चीजें हमें मिल चुकी होती। 2002 के अंदर इंडिया ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट आईएसए के साथ में, कंप्लीट रिसोर्स एनालिसिस किया, सीबेड के बारे में पता किया। ओके, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे कंट्रीज है जो कि इसके रेस के अंदर है, जैसे कि चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, और कुछ स्मॉल आइलैंड्स है, किरीबाती, कुक आइलैंड, ये सब जो है डीप सी माइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके गाइज, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में बात करें, 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ, जमैका के अंदर किंगस्टन में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, ध्यान रखिएगा, चलिए, और यहाँ पे कन्वेंशन भी है इसका, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो जो सी है ना, उसके लॉ को कौन डिफाइन करता है, यही बॉडी है जो कि डिफाइन करती है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दोस्तों, जो कि 1982 के अंदर ही किया गया था, समझ गए। इसमें पांच एरिया में जो है डिवाइड किया जाता है पूरे के पूरे मरीन एरिया को, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एरिया जो है वो दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पेज नंबर 13 दोस्तों, यहां पे बात करेंगे, एक तो इसराइल ने कल वापस से स्ट्राइक कर दी, पुतिन और बाइडेन के बीच में दोस्तों एक ग्रेट पावर समिट है जो कि हुआ है, यानी कि दोनों जो है कल काफी बड़ी मुलाकात हुई, कुछ ऐसे बहुत बड़े मेजर कोई ऐसे इनिशिएटिव तो लॉन्च नहीं करेंगे दोनों के द्वारा, कई घंटे, 4-5 घंटे का डिस्कशन था, लेकिन 2-3 घंटे में खत्म किया इन्होंने। ठीक है, चलिए, इंडिया श्रीलंका के न्यूज के बारे में बात करेंगे, और तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसराइल को लेकर। आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले जो है दोनों के बीच में सीज फायर हुआ था, किसके बीच में, एक तो ग्रुप था हमास वर्सेज इसराइल, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था कि किस तरीके से अटैक हुआ था, ये आपके गाजा वाला एरिया में। ओके,
तो इसराइल ने दोस्तों क्या किया, अभी कुछ दिन अभी क्या हुआ क्या कल, एक्चुअली में गाजा के ऊपर जो है बड़े बड़े बलून देखने को मिले जो कि इसराइल वाले साइट के ऊपर आ रहे थे। अब ये देख के इसराइल को चिंता हो गई कि पता नहीं बलून क्या लेके आए, तो इन्होंने क्या किया, एयर स्ट्राइक है जो कि लॉन्च कर दी। समझ गए, कई सारे फिलिस्तीन की जो टेरिटरी है उसके वहां से बलून है जो कि छोड़े जा रहे थे बड़े बड़े साउथ ऑफ द कंट्री के अंदर, तो उसके बाद में उसने एयर स्ट्राइक है जो कि लॉन्च करी है। ठीक है, लास्ट मंथ आपको मालूम है हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई बड़ी लड़ाई है जो कि दोनों के बीच में हुई थी, और पहले ही स्ट्राइक है जो कि मानी जा रही है इसराइल की जो नई गवर्नमेंट बनी है ना, आपको मालूम है नए प्रधानमंत्री बने वहां पे बेनेट, तो उनके अंडर में दोस्तों पहली स्ट्राइक है जो कि ये मानी गई है। समझ गए मेरी बात, चलिए ठीक है, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। दोनों के बीच में मुद्दा आपको मालूम भी है, पहले भी कई बार मैं आपको समझा चुका हूं, ये पूरा इसराइल है, ये गाजा है, यहां पे हमास नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप है वो काफी एक्टिव है जो कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। ओके चलिए, और इसको जो है हमास को कई सारे गल्फ कंट्रीज है जो कि सपोर्ट करते हैं, तो ये छोटा सा एरिया है, ये यहां से रॉकेट छोड़ता है, ये यहां पे रॉकेट छोड़ता है, इस तरह से चलता है। आपको मालूम है दोस्तों इसराइल जो है वो काफी बड़ा होता जा रहा है, देखिए 1917 में ये पूरा फिलिस्तीन था, दिख रहा है आपको 1948 के अंदर देखिए किस तरीके से चेंजेस आए, ये 1917 में तो पूरा का पूरा जुविश कंट्रोल था, यानी कि इसराइल के लोग जुविश जो लोग थे ना वो रहा करते थे इस पूरे एरिया में। 48 के अंदर क्या हो गया, फिलिस्तीन ने दोस्तों काफी कंट्रोल कर लिया, उसके बाद में धीरे धीरे होते होते आप देख सकते हो किस तरीके से यहां पे जो है वापस पहले से ही बोला था मैंने, ठीक है 1917 के अंदर अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिए 1948 से पहले की अगर बात करें तो यहां पे दोस्तों फिलिस्तीन कंट्रोल है जो कि हुआ करता था। 48 के टाइम पे इसराइल ने दोस्तों मेजरली ऑक्यूपेशन कर लिया, 49-50 के टाइम पे इंडिया ने भी जो है उसको रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद में धीरे धीरे एरिया जो है अपना बढ़ाता बढ़ाता आज आप देख सकते हैं प्रेजेंट के अंदर ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है ये आपको फिलिस्तीन वाला एरिया देखने को मिलेगा, बाकी मेजरली जो है वो पूरा का पूरा इसराइल का एरिया है। ठीक है गाइस, ओस्लो अकॉर्ड है जो कि 1995 में हुआ था, उसके बाद आप देख सकते हैं ओके तीन पार्ट के अंदर डिवाइड है जो कि पूरे एरिया को कर दिया गया था, एक तो था फिलिस्तीन कंट्रोल, एक था जॉइंट इसराइल फिलिस्तीन कंट्रोल और एक इसराइल कंट्रोल, तीन पार्ट में जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था ना उसमें तीन पार्ट में इन्होंने डिस्कशन है जो कि डिवाइड कर दिया था एरिया को। समझ गए, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं इंडिया और श्रीलंका को लेकर। देखिए रिसेंटली क्या किया है इंडिया ने दोस्तों, श्रीलंका को जो है वो पैसा दिया है, कितना दिया है $100 मिलियन, क्यों दिया है भाई, उसके सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। समझ गए, आपको मालूम होगा 2018 के अंदर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जब फॉर्मेशन हुआ था तो इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर तो है लेकिन श्रीलंका भी उसका फाउंडिंग मेंबर है। ओके 2015 के अंदर क्या हुआ था कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है हॉलैंड और मोदी जी ने विम्बले स्टेडियम में एक बात बोली थी जिसको दुनिया में काफी सहारा गया कि हमारी पूरी जो अर्थ है इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, आपको मालूम है ये बात, तो ये सारे के सारे कंट्री क्या है सूर्य पुत्र है, तो क्यों ना इन सारे जो बीच के देशों में जहां पे गर्मी आती है इन सबको मिलकर एक अलायंस बनाना चाहिए जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहां पे ये सारे देश मिलकर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे। बात बिल्कुल सही थी, कई देशों को पसंद आई, तो कुल मिला के अभी 89 कंट्रीज है जो कि इसके सिग्नेटरी है, हालांकि जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है इसके अलावा जो है ना ऊपर वाले एरिया के भी कई कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर बन चुके हैं, तो श्रीलंका भी उसमें से एक है, तो हमने भी इसके ऊपर काफी काम किया, तो श्रीलंका के अंदर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 4000 मेगावाट की है और 5% से डिमांड है जो कि हर साल इंक्रीज है जो कि यहाँ पे हो रही है। ठीक है गाइस, अब 4000 मेगावाट में से 1400 के आसपास तो ये हाइड्रो से काम में लेते हैं, 900 के आसपास है जो कि कोल से काम में लेते हैं, बाकी ये लोग भी सोलर के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने $100 मिलियन का यहाँ पे इनको लाइन ऑफ क्रेडिट है जो कि अवेलेबल, एक तरीके से लोन है जो कि हमने अवेलेबल करवाया किसके द्वारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जिसको हम लोग एक्सिम बैंक भी कहते हैं उसके द्वारा ये लोन है जो कि अवेलेबल करवाया गया है सोलर पावर कवरेज को बढ़ाने को लेकर। ठीक है गाइज, चलिए ओके, और 20 साल के लिए जो है ये पैसा दिया गया है, कितने साल के लिए 20 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1.75% है जो कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं, एक्सिम बैंक के बारे में बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करता है, 1981 के अंदर इसकी शुरुआत है, एक्ट है जो कि 81 में पास हुआ,
82 के अंदर इसका इसको लॉन्च किया गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, डेविड जो है रिक्वेशा अभी इसके हेड है जो कि बने हुए हैं। आगे बात करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विटर को लेकर ही बातचीत चल रही है देश में। मुद्दा ही आजकल पता नहीं ट्विटर हो गया है। इतने कोविड से लोगों की जान चले गई, हॉस्पिटल की हालत खराब है, स्कूल एजुकेशन की हालत खराब है, ओके माइग्रेंट्स की नौकरियों की हालत खराब है। हमारे यहाँ पे मुद्दा जो है वो ट्विटर का चल रहा है। मतलब क्या मतलब मेन जो मुद्दे होते हैं ना उसके ऊपर तो देश में कभी बातचीत होने देती दी नहीं जाती है क्योंकि इतने सारे मुद्दे निकाल के उनको इतना हाइप किया जाता है कि मेजरली लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे फ्रंट पेज की बात करें तो उसके बारे में तो खैर यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बेचारा दो आदमी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। यूएपीए के तहत दो आदमी थे महाराष्ट्र के, उनको जेल में डाल दिया गया 2012 में। 9 साल तक बेचारे जेल में रहने के बाद उनको बताया गया कोर्ट के द्वारा कि आप निर्दोष हैं। मतलब 9 साल बाद बरी किया गया है। तो यूएपीए का हालत आप देख सकते हैं, मतलब इतना बुरा हालत है यूएपीए का। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे लिए ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे स्टार स्प्रिंटर है दुति चंद दोस्तों, उनको एक ज्वेलरी ब्रांड है उसने एंडोर्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दुति चंद एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है लीडिंग ज्वेलरी रिटेल चेन की, और वो सपोर्ट कर रही है कैंपेन को, LGBTQ कम्युनिटी कैंपेन को भी। पहली स्पोर्ट्स पर्सन है दोस्तों दुति चंद जिसने ओपनली जो है ये बोला था कि वो जो है होमोसेक्सुअल है। ओके, इंडियन कम्युनिटी के अंदर बहुत ही टैबू के तौर पर देखा जाता है इन सब बातों को, होमोसेक्सुअलिटी को, गे को, LGBT कम्युनिटी को, है ना, हाय तोबा मचाते हैं, जबकि ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है, पूरी तरीके से नेचुरल है। ओके, तो बहुत ही ज्यादा हल्ला हुल्ला मच गया था। तो हमारे देश के नेशनल चैंपियन है 100 मीटर की। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक कंपनी है सैनको गोल्ड एंड डायमंड। ठीक है गाइस, तो उस कंपनी को ये प्रमोट करेंगे। 85 ईयर पुराना ब्रांड है, फेमस ब्रांड है, 85 ईयर पुराना ब्रांड है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल चेन है जो कि मानी जाती है। तो उसकी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है जो कि ये बनी है। ओके गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दुति चंद के बारे में बात करें तो अपने उड़ीसा से बिलोंग करती है, 25 साल की है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है, और 100 मीटर और 200 मीटर जो है ये भागती है। अगर आप इनके रिकॉर्ड देखेंगे तो एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल 2018 के अंदर, है ना, 2 सिल्वर मेडल, और एशियन गेम्स के अंदर, एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो 17 के 19 के अंदर 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल, और एशियन जूनियर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल। तो काफी अच्छी एथलीट है जो कि मानी जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि है हॉल मार्किंग को लेकर। आपको मालूम होना चाहिए गाइस कि 16 जून से कल से हॉल मार्किंग जो है वो कंपलसरी है जो कि हमारे देश में हो चुकी है। ठीक है गाइस, आपको देखिए जितने भी जो ज्वेलर्स है जिनका टर्नओवर 40 लाख या उससे अबव है ईयरली टर्नओवर, उनके लिए कंपलसरी है कि वो ज्वेलरी के ऊपर हॉल मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है ताकि जो भी कई लोग क्या करते हैं डुप्लीकेसी करते हैं और इन सब चीजों को रोका जा सके। तो देखिए आपको मालूम है हमारे देश दुनिया का सबसे ज्यादा इंपोर्टर, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करवाता है गोल्ड को। 700 से 800 टन गोल्ड है जो कि हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। हमारे यहाँ पे गोल्ड का बहुत शौक है दोस्तों, महिलाओं को छोड़िए पुरुषों को भी बहुत शौक है। बप्पी लहरी तो बेचारे एक ही आदमी, बप्पी लहरी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गोल्ड के रिंग्स हो गए, चेन हो गई, है ना, इस तरीके से पहनते हैं। तो इसी वजह से हम लोग इंपोर्ट बहुत करवाते हैं गोल्ड को। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने जो है वो पहले ही बोल दिया था वैसे तो खैर कि 256 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जारी करी गई है फर्स्ट फेज में, जहां पे इसको इंप्लीमेंट है जो कि किया जाएगा। तो BIS ने दोस्तों क्या किया था, गोल्ड और सिल्वर के हॉलमार्क स्कीम जो कि इंडिया में लॉन्च करी थी, बोल दिया गया कि जो भी गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स, यानी कि कोई चीज जो गोल्ड से बनी हुई हो, सिल्वर की ज्वेलरी या सिल्वर के आर्टिफैक्ट्स, इन सबको हॉलमार्किंग जो है वो करना कंपलसरी है। समझ गए, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा 256 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च है जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, इसके अंदर 1 लाख रुपए का फाइन और 5 गुना जो भी आपकी ज्वेलरी की रेट है, ये दोनों में से फाइन है जो कि लगाया जा सकता है, जो कि हमारे यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात, आप देख सकते हैं कई सारे राज्यों के यहाँ पे नाम है जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। प्योरिटी दोस्तों 3 कैटेगरी में डिवाइड करी गई है, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। समझ गए, कैरेट आपको मालूम है ना, प्योरिटी के बारे में बात करता है। कैरेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 24 कैरेट है जो कि प्योर गोल्ड होता है, 24 में से मान लो आपने कोई ज्वेलरी ली 22 कैरेट की, तो उसका मतलब ये कि 24 पार्ट में से 22 पार्ट जो है उसके वो गोल्ड के हैं और 2 पार्ट है जिसके अंदर अलॉय मिलाया गया है ताकि वो स्टिफ हो सके,
समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इसको बोलते हैं जितनी ज्यादा कैरेट की होती है उतनी महंगी होती है। एक तो कैरेट होता है प्योरिटी वाला, एक और कैरेट होता है जो कि कैरेट, एक और होता है कैरेट लेकिन ये होता है वेट का, समझ गए? जिसमें बोलते ना कि यार ये डायमंड जो है वो 100 कैरेट का है, तो एक कैरेट इसमें कितने का होता है? 200 मिलीग्राम का होता है। ये वेट वाले प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं, समझ गए? एक कैरेट वेट वाला होता है और एक कैरेट आपके प्योरिटी वाला होता है। ओके, वन कैरेट इज इक्वल्स टू 200 mg वेट के हिसाब से। बोलते ना कि यार ये 200 कैरेट का गोल्ड है, तो 200 कैरेट तो प्योरिटी होती नहीं है, इसका मतलब है कि वो वेट के बारे में बात कर रहा है। 200 mg से देख लो आ जाएगा, समझ गया? तो इनिशियली जो है वो 22, 18 और 14 कैरेट में इसको लॉन्च किया जाएगा, धीरे धीरे फिर बाकी कैरेट कैटेगरीज के अंदर भी इसको लॉन्च है जो कि किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पहले दोस्तों इसको इंप्लीमेंट इसलिए नहीं किया गया, हमारे देश में जितनी भी ज्वेलरी बनती है ना उसका 30% ही दोस्तों हॉलमार्क होती है। हमारे यहाँ पे जो हॉलमार्क करने वाले हैं ना वो सेंटर बहुत कम है, प्रॉब्लम ये है, समझ गए? चलिए आप देख सकते हैं इस तरीके से कंपलसरी है, एक तो BIS का मार्क होगा, एक प्योरिटी कितना है 1916 का, मतलब क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है 91% प्योरिटी, 1916 का मतलब है 22 कैरेट का आपका ये ज्वेलरी है। ठीक है, उसी तरीके से 750 का मतलब होता है 18K, ओके 75% प्योरिटी है उसमें, इस तरीके से होता है। 855 का मतलब है आपके 14K और इसमें 58% प्योरिटी है जो कि होती है। ये देखिए इसमें हॉलमार्क जो सेंटर होगा उसका यहाँ पे होगा और ज्वेलर का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो यहाँ पे होगा। इस तरीके से 4 कैटेगरी इसमें इसको डिवाइड है जो कि किया जा रहा है। ठीक है गाइस, इसके अलावा मैंडेटरी जो करी गई है वो पब्लिक को लोअर कैरेटेज और इंश्योर करने के लिए कि कोई भी जनता को चीट ना कर सके, है ना, प्योरिटी जो है ऑर्नामेंट्स में बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे कंज्यूमर के लिए क्वालिटी की, तो इसीलिए दोस्तों इसको लॉन्च है जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, 3 कैरेट मैं आपको बता चुका हूं, तो अभी है ना 10 ग्रेड के अंदर ही अवेलेबल होगा। चलिए ठीक है, रिटेलर्स के लिए है ये, कोई कंज्यूमर अगर पुराने वाले ज्वेलरी पे लगवाना चाहे तो लगवा सकता है, फाइन के बारे में मैं बता चुका हूं। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने शायद देखा होगा कल परसों क्या हुआ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, है ना, और वहां पे उन्होंने क्या किया कि कोको कोला की 2 साल आगे जो है वो बॉटल रखी हुई थी, उन बॉटल को हटा के साइड में रख दिया और पानी जो है वो लेके बोला ड्रिंक वाटर। ओके, जैसे ही दोस्तों ये इंसिडेंट हुआ पता है कोको कोला को कितने का नुकसान हुआ शेयर मार्केट में? $4 बिलियन का, यानी कि 28,000 करोड़ का नुकसान है जो कि हो गया। तो ये दोस्तों एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है जो कि आजकल जो ये जो है ना ऐसे स्पोर्ट्स ब्रांड जो है जो कि स्पोर्ट्स के अंदर कोको कोला पेप्सी इन सबको प्रमोट करते हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। इसी प्रकार से मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो प्लेयर है पॉल पोगबा, इन्होंने भी दोस्तों क्या किया था, एक नॉन एल्कोहलिक बॉटल थी हैनिकेन की। देखिए हैनिकेन जो आती है ना नॉर्मली दुनिया में फेमस है, वो बियर के लिए बहुत फेमस है, हैनिकेन की बियर आती है, उनके पास में रखी हुई थी। ओके, उन्होंने भी उसको हटा के साइड में रख दी, जैसे ये हुआ उनके भी शेयर मार्केट में नीचे चला गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे रोनाल्डो के आपको मालूम है दुनिया भर में 30 करोड़ फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो एक छोटी सी भी अगर इस तरीके से कोई हरकत होती है तो काफी नुकसान है जो कि कंपनियों को देखने को मिलता है। ओके, अब बड़ी बात यह है कि ये जो चीनी मिला के जो आपको पानी देते हैं कोको कोला पेप्सी मिरिंडा, ये सब कुछ नहीं है गाइस, इनको कंज्यूम मत किया करो। कोई महीने दो महीने में कर लिया तो बात अलग है, ये जितने भी आपके आते हैं ना ये माजा वाजा कुछ नहीं है, चीनी का घोल है, मतलब बहुत नुकसान करते हैं आपके बॉडी को। ओके, पानी में चीनी डाल के और प्रिजर्वेटिव डाल के कलर डाल के आपको पकड़ाते हैं और दुनिया जो है मतलब इसका कंजप्शन भयंकर करती है, बहुत ही रेयर कंडीशन में जो है आपको यूज करना चाहिए सब। ओके, तो वो ये, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको मालूम है स्पोर्ट्स मैन तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते ही है, अब ये ब्रांड कैसे प्रमोट करेंगे अपने आपको, ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो ट्विटर के बारे में बात करिए, चलिए और ठीक है यहाँ पे दोस्तों सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हमारे जो साइंटिस्ट है उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है किसके ऊपर, हमारे बाकी प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च करने को लेकर, जिसमें सबसे ज्यादा जो मिशन जो स्पेसक्राफ्ट जो कि जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए वो किसके ऊपर जा रहे हैं, मार्स के ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं फिलहाल बात करूं दोस्तों, ठीक है 26 ऐसे सक्रिय स्पेसक्राफ्ट है जो कि किसी ना किसी ग्रह के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, हमारे यूनिवर्स की खोज के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें से 50% जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मार्स के ऊपर ही दोस्तों उनका ध्यान है जो कि लगा रखा है।
ओके आपको मालूम होगा दोस्तों वॉयजर 1 और वॉयजर 2 है ना, ये ऐसे स्पेसक्राफ्ट है जो कि नासा के द्वारा भेजे गए हैं और पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं सौर मंडल के बारे में पता करके फोटोज जो कि भेज रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई मार्स के ऊपर इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि अर्थ के बाद हमारे सोलर सिस्टम में कहीं पर लाइफ हो सकती है तो वो मार्स पे ही है जो कि हो सकती है। ओके गाइस, तो इसलिए काफी सारे मिशन है जो कि किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा, ठीक है इसके अलावा तो खैर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये एक जो इंपॉर्टेंट बात मेरे को यहाँ पे करनी थी वो थी आपके यहाँ पे, ठीक है हाँ वॉयजर के बारे में बात ध्यान रखिएगा, बात की तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही ग्रह पे सबसे अधिक समय और पैसा है जो कि खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जुपिटर के ऊपर भी जूनो नाम का एक था, जूनो जुपिटर के ऊपर भी दोस्तों एक मिशन की शुरुआत है जो कि करी गई 2011 के अंदर, तो ये भी नासा के द्वारा भेजा गया था, तो ये भी इसके लेकर काफी फोटोज जो कि भेज रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यूनेस्को का साइंस रिपोर्ट को लेकर। तो रिसेंटली एक साइंस रिपोर्ट है दोस्तों जो कि यूनेस्को के द्वारा पब्लिश करी गई है जिसका नाम है रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है यूनेस्को के द्वारा पब्लिश करी जाती है हर 5 सालों के अंदर। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इसके ऊपर कौन सा देश कितना काम कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर बातचीत जो की होती है। इसके ऊपर एक चैप्टर जो है वो इंडिया के ऊपर भी होता है। लेटेस्ट एडिशन जो करी गई लिखा गया वो प्रोफेसर सुनील मानी के द्वारा दोस्तों लिखा गया है जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम के अंदर। ओके, तो इसमें ओवरव्यू बताया गया है कि भारत के अंदर कैसा काम हो रहा है, क्या सजेशन है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी है जो कि दी गई है। ओके चलिए, तो इसमें इनोवेशन जो है कोविड-19 के ऊपर काम करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा आईपी के जो रूल्स है उनके ऊपर बात करी गई है और इसमें बोला गया है कि इंडिया जो है वो हमने अभी तक इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट नहीं किया। देखिए ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्री 4.0 का मतलब क्या है, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला रिवोल्यूशन अमेरिका में आया, फिर जापान में आया, थर्ड आया चाइना में, अब बोला जाता है कि चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा तो वो बॉम्बे यानी कि इंडिया में आएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया अभी तक भी इस चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और जॉब लॉसेज जो हो रहे ना उसके ऊपर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑटोमेशन और एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। ओके गाइस, कुछ एक एफर्ट है इंडियन स्टेट के द्वारा किए जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, लेकिन उसके बाद अलावा भी अगर बाकी चीजों के ऊपर बात करें, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन कंट्री के द्वारा नहीं किया गया। एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे एक मेजर कॉज बताया गया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी साइंस और टेक के लिए के दोस्तों कम हो गई है, बड़ी नहीं है। हालांकि जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो ओवर द टाइम तो खैर इंक्रीज हो गए, 34% से 49% हो गए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो वो बड़ी नहीं पाई है अगर पिछले कई सालों की बात करें तो ये रिपोर्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई है। आगे बात करते हैं, एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको आसान बना दिया गया है। जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे और एमएसएमई मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन एमएसएमई का सिंप्लीफाई करवा दिया गया है ऐसा बताया गया है। एमएसएमई होते क्या है, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं गाइस एमएसएमई क्या होते हैं, ठीक है गाइस एमएसएमई क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं ना हमारे शहर के कोने में जो लगे होते हैं, फैक्ट्रीज लगी होती है, उनको कहते हैं। ये बैकबोन होते हैं किसी भी देश के, यहाँ पे नौकरियां और ठीक है बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, साथ में देश का डेवलपमेंट इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल्स का फॉर्मेशन करना, सप्लाई करना, सप्लाई चेन, सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। पहले हमने दोस्तों एमएसएमई का क्लासिफिकेशन जो है वो 2 पार्ट में अलग अलग कर रखा था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री का अलग अलग, समझते हो ना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जब आप सामान बना रहे हो, ओके। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब है जब आप सर्विस दे रहे हो, ओला उबर अनअकैडमी बायजू ये सब आपको सर्विस दे रहे हैं, ओके। कोई प्रोडक्ट तो ना बना रहे, लेकिन जिसने पेन बनाया होगा फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है। अभी सेम हो चुका है क्राइटेरिया, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो इंडस्ट्री माने जाते हो। वैसे ही अगर 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप माइक्रो के बाद में स्मॉल इंडस्ट्री माने जाते हो। मीडियम इंडस्ट्री का मतलब है जब आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो तो उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। उसके बाद में अगर 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है आपका तो आप लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाते हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों, 1, 5, 10, 50, 20, 100 इस तरीके से याद करिए, 5 गुना है, 5 टाइम्स, ठीक है। चलिए एमएसएमई का रिक्वायरमेंट के लिए अभी आपको बना जो है
सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड ही है जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगा। पहले बहुत सारे चीजें जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था, अभी आसान हो जाएगा। इससे हमें एक फायदा क्या मिलेगा, जो हमारा ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, उसमें हमारे नंबर हमें और बेहतर है जो कि मिल जाएंगे। ठीक है, ओके चलिए। और कोई नई ट्रेनिंग जो है रिक्वायरमेंट स्मॉल यूनिट के ऊपर नहीं करी जाएगी। ये देखिए, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, क्विक डिसीजन होंगे, सिंगल मैनेजमेंट है, फास्टर ग्रोथ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट कंज्यूमर इंटरेक्शन, ये सब है जो कि बोला जा रहा है। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने दोस्तों फ्री ट्रेड डील है दोस्तों जो की करी है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों ने दोस्तों क्या किया है, 15 जून को एक साइन किया एग्रीमेंट फ्री ट्रेड डील को लेकर। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखो प्रॉब्लम क्या है कि यूके ने तो यूरोपियन यूनियन तो छोड़ ही दिया, अब यूके भी अपने अपने दोस्तों क्या ढूंढ रहा है, एले ढूंढ रहा है जहां पे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सके। हमारे से भी काफी बातचीत चल रही है और अभी इसने दोस्तों कई सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है, जिसके अंदर से एक ये भी है, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है, आप यहां पे देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है जो कि करी गई है, और इसके अंदर दोस्तों एशिया पैसिफिक रीजन में गेटवे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्ट को लेकर। इससे ब्रिटिश प्रोडक्ट जो है स्कॉच विक्सिंग जो विस्की आती है ना, इसका ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट है जो कि बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ब्रिटिश के अंदर दोस्तों बहुत ही फेमस है वहां पे जो विस्की होती है ना, स्कॉच विस्की, जो बहुत ही महंगी आती है, 4-5 हज़ार रुपए टाइप की जो भी होती, तो उसका इंपोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में बढ़ जाएगा। एक्चुअली क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया भी क्या कर रहा है कि मैं चाइना से डिपेंडेंस कम करूं, इसीलिए वो भी कोई ना कोई रास्ते हैं जो कि निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे आपके जो टैरिफ है क्लोथ के ऊपर, कार के ऊपर, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, ये सब कम हो जाएंगे और उनका इंपोर्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बढ़ जाएगा। समझ गए? चलिए, स्कॉट मॉरिसन है जो कि अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री है, ये देखिए 11 कंट्रीज के साथ में अभी तक ये दोस्तों पार्टनरशिप कर चुका है, चिली, जापान, कनाडा, मेक्सिको, सिंगापुर, वियतनाम, ओके। अब इंडिया के साथ में भी बातचीत है जो कि चल रही है। आगे बात करते हैं, न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। आप देख सकते हैं दोस्तों वुडन सैटेलाइट है जो कि यहाँ पे लॉन्च करी गई है, ओके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है जिसका नाम है वीजा वुडसेट, ये अर्थ ऑर्बिट में जो है वो लॉन्च करी है। ठीक है गाइस, और इसकी ये कहां की सैटेलाइट है, ये न्यूजीलैंड की सैटेलाइट है। ठीक है, ओके। तो इसमें ये जो लॉन्च करी क्यों गई, ताकि वुड की जो कैपेबिलिटी है ना उसको मेजर करने के लिए, टू टेस्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द वुडन मटेरियल सच एज प्लाईवुड इन द स्पेसक्राफ्ट स्ट्रक्चर। स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या हम लोग प्लाईवुड, वुड इनको भी यूज कर सकते हैं क्या, ये कितने टाइम तक एप्लीकेबल रहते हैं ऊपर, कैसा इनका जो है टेम्परेचर, बाकी चीजें कैसे रहती है, कैसे रिएक्ट करेगा वुड, उसको लेकर दोस्तों एक्सपेरिमेंट है जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, वुडन मटेरियल का हीट, कोल्ड, वैक्यूम, रेडिएशन, सबके बारे में जानकारी है जो कि मिल जाएगी। ठीक है, 2021 के अंदर रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के द्वारा भी वुडन सैटेलाइट है जो कि लॉन्च करने को लेकर बोला जा रहा है। ठीक है गाइस, फिनलैंड के अंदर सैटेलाइट को डिजाइन किया गया है और लॉन्च किया गया इसको, न्यूजीलैंड से माइया पेनिनसुला से इसको लॉन्च है जो कि किया गया। ठीक है, 400 से 500-600 किलोमीटर के आसपास है जो कि है ऑर्बिट करेगी, और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटी है, 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर की नैनो सैटेलाइट है ना, बॉक्सेस के तौर पे इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है यूएन ट्रेड फोरम 2021 को लेकर। यूएन ने दोस्तों क्या किया है, यूएन ट्रेड फोरम हुआ था जहां पे हमारे दोस्तों कौन पार्टिसिपेट किए थे, हमारे पीयूष गोयल जी जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें बोला गया इंडिया पर कैपिटा कार्बन इमिशन जो है ना वो कम कर रहा है और हम लोग ऑलरेडी बड़ी इकोनॉमिक्स में सबसे लोवेस्ट है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो जब डिवीजन होता है पर कैपिटा का तो हमारे कार्बन इमिशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 450 गीगावाट 2030 तक, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है जो कि रखा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 2030 तक अचीव करने को लेकर। ठीक है, इसके अंदर ये भी बोला गया कि हम लोग जो है ग्लोबल सोलर अलायंस को लेकर भी काफी काम कर रहे हैं, कुल मिला के हमारी तरफ से जो हम लोग काम कर रहे हैं ना वो यहाँ पे बताए गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल है जो कि 2030 तक अचीव करने के लिए बोला गया है। ठीक है गाइस, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट एक्शन जो है ये जो 13 गोल है, क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल 7वां है ना, ये सब जो है इसी चीज को लेकर है। चलिए आगे बात करते हैं, नेवी ने फर्स्ट 3 इंडिजीनियस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है दोस्तों जो बनाए और उसमें 95% मेड इन इंडिया का सामान है जो कि लगा गया है। तो डीआरडीओ ने दोस्तों खुद ने जो है इंडिजीनियसली बिल्ड किया फर्स्ट 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन 50,000 करोड़ की कॉस्ट के ऊपर, 95% जो भी इसमें बना है ना, ओके, वो इंडिया के अंदर ही बना है।
प्रोजेक्ट 7575 आई प्रोजेक्ट यही था जिसके अंदर हम लोग कालवारी क्लास के सबमरीन है जो कि हम लोग बना रहे हैं। कितनी बना रहे हैं भाई? 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट कलवारी क्लास सबमरीन है, उसके अलावा सेकंड जो है आप देख सकते हो खंदेरी है, थर्ड वेला नाम से है, वगीर नाम से भी है, पांचवा। ओके, तो इस तरीके से चीजें ये आपको यहां पे ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, ठीक है, इसमें और तो कुछ है नहीं। आगे बात करते हैं, AEFI के पैनल ने दोस्तों फर्स्ट डेथ जो है वो वैक्सीन से लिंक है जो कि करी है। देखिए आपको मालूम होगा अभी एक न्यूज आई थी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन पैनल के द्वारा। ये एक पैनल है दोस्तों, ठीक है, क्या नाम है, AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन पैनल। ये किस लिए बनाया गया था पैनल? ताकि वैक्सीन के जो नेगेटिव इफेक्ट है ना वो पता किया जा सके और स्टडी की जा सके, इसलिए बनाया गया। तो इन्होंने दोस्तों बताया कि एक 68 साल का आदमी था, उसने वैक्सीन लेने के बाद उसके एलर्जी होने के बाद उसकी मृत्यु है जो कि हो गई है। तो पहली वैक्सीन लिंक्ड डिजीज डेथ है जो कि यहाँ पे विटनेस है जो कि करी गई है। ओके, किसके? वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से। अब आप बोलोगे सर क्या वैक्सीन लगवाना सही नहीं है क्या? क्या वैक्सीन से क्या सच में डेथ हो रही है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ये एक बहुत ही एक्सेप्शन केस है। अगर आप देखोगे ना नंबर 4.8 पर मिलियन वैक्सीन डोजेस जो है वो देखो, 1 मिलियन के अंदर सिर्फ 5 लोग है जो कि हॉस्पिटलाइज हुए हैं और 2.7 लोग है जिनकी डेथ हुई है 1 मिलियन के लोगों के अंदर। मतलब इतना तो अगर कोई आदमी ज्यादा खाना खा लेगा ना तब भी उसकी हो जाएगी, इतना रेशियो है मतलब ये, ठीक है, बहुत ही कम नंबर है, मतलब ना के बराबर है। ओके गाइस, 31 केसेस को एक्सेस किया गया जिसमें 18 में बताया गया कि बहुत सारे केसेस में बताया गया कि उसका कारण जो है वैक्सीनेशन नहीं था। ओके, और भी बहुत सारे कारण थे। आगे बात करते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर। सिल्वर लाइन दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये केरला के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, नॉर्दर्न और सदर्न केरला को दोस्तों हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के तहत कनेक्ट करने को लेकर, ताकि सदर्न और नॉर्दर्न जो केरला है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाए ट्रैवलिंग का। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड नाम की जगह, ओके, 11 स्टेशन है जो कि इसमें बनाए जाएंगे और 12 घंटे से 4 घंटे का टाइम पीरियड है जो कि इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जा रहा है। ओके, 550 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है, 11 डिस्ट्रिक्ट होंगे, काफी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, 56,000 करोड़ का कॉस्ट है जो कि इसके अंदर आएगा। बोला जा रहा है 2020 से 2024 तक इसको बना दिया जाएगा। देखो केरला कर रहा है तो मान सकते हैं, बना भी सकते हैं ये लोग तो, ठीक है, आप देख सकते हो पूरा केरला जो है ये कवर कर रहा है। हमारे यहाँ पे इसी प्रकार से एक बुलेट ट्रेन की भी बात हुई थी कई सालों पहले, आज तक बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन बनना तो छोड़िए, उसकी लैंड एक्विजिशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। बुलेट ट्रेन मतलब हमारे जीते जी अगर हम लोग देख ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही हल्ला उल्ला मचाया गया था बुलेट ट्रेन का, लेकिन अभी तक उसका कोई दूर दूर तक पता नहीं है। यहाँ पे ये देखिए प्रोजेक्ट है जो कि पूरे केरला को कनेक्ट करने को लेकर बात कर रहा है, इससे ट्रैफिक एनवायरनमेंट काफी चीजों को बेनिफिट है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। कई सारे टर्न और जो बैंड है ना वहां से होती हुई रेलवे लाइन जो है अभी और अभी है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट है जो कि यहाँ पे करके उसको बेनिफिट है जो कि पहुंचा जाएगा। ओके, ये देख सकते हो आप। चलिए आगे बात करते हैं गुजरात के एजुकेशन एक्ट को लेकर। गुजरात के एजुकेशन एक्ट की बात किया जाए तो गुजरात का हाई कोर्ट जो है ना उसने दोस्तों अभी रिसेंटली एक फैसला सुनाया था जिसमें ये बोला था कि टीचर्स को भी यहाँ पे टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि देना पड़ेगा। समझ गए, जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मेजोरिटी के नहीं माइनॉरिटी को लेकर, जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पे उनको एक टेस्ट है जो कि एप्टीट्यूड का देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ओके गाइस, तो ये हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों ऑर्डर है जो कि दिया गया था। ऐसा हाई कोर्ट ने ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि मेजॉरिटी वाले जो स्कूल है वहां पे तो ऑलरेडी होता है, लेकिन जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना वहां पे पहले दोस्तों ये नहीं हुआ करता था। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट के सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल है उन सभी को इसको फॉलो है जो कि करना पड़ेगा। सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लिंग्विस्टिक और रिलीजन वन सबके ऊपर दोस्तों इसको इंप्लीमेंट है जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, ओरिजिनल लॉ के अंदर एक्सेप्शन है जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस वालों को दे रखा था, लेकिन अभी दोस्तों सबके लिए इक्विवेलेंट है, लेकिन किसी ने पेटिशन लगा दी है कि भाई नहीं है तो गलत है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये बात बोली है, तो रिसेंटली दोस्तों यही मुद्दा है जो कि गुजरात के अंदर हुआ है। ठीक है गाइस,
चलिए यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट भी दिया था, एक स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस फाउंडेशन था, एमए पाई फाउंडेशन, जिसमें मैनेजमेंट को लेकर है, जो कि बोला था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई इक्वली जो है आपको इंप्लीमेंटेशन करना है, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, उसके अंदर डिफ्रेंसिएशन नहीं रखना है। ओके गाइज, आगे बात करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 5,000 यूथ को हेल्थ असिस्टेंट के तौर पर दोस्तों ट्रेन करने के लिए बोला गया है, थर्ड वेव को टैकल करने को लेकर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने 5,000 यूथ को ट्रेन करने के लिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 वीक के अंदर करने के लिए बोला है। ओके, 9 बेसिक ट्रेनिंग है जो कि 9 मेजर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के अंदर अवेलेबल करवाई जाएगी, और ये डॉक्टर और नर्सेस को हेल्प करने का काम करेंगे। ओके, आज के दिन के इतिहास की बात करें तो कुछ खास नहीं है। ब्रिटेन ने इंडिया को इन्वाइट किया था, इंटरिम गवर्नमेंट लंदन के अंदर इन्वाइट किया था इंटरिम गवर्नमेंट बनाने को लेकर। 1963 के अंदर दोस्तों सोवियत कॉस्मोनॉट जो है, फर्स्ट वुमेन उन्होंने स्पेस के अंदर जो कि भेजी थी, वैलेंटिना टेरेश्कोवा, 400 एप्लीकेंट में से इनको सेलेक्ट है जो कि किया गया था। 48 टाइम्स जो है इन्होंने ऑर्बिट है जो कि किया था। ठीक है गाइस, 3 दिन तक। आगे बात करते हैं फन फैक्ट को लेकर। अगर किसी के दोस्तों स्टोन की समस्या है तो आपको डॉक्टर बोलता है बहुत सारा पानी पियो, कई लोग बोलते हैं बहुत सारे बियर भी पी लो उससे भी निकल जाता है स्टोन। लेकिन दोस्तों एक और नई रिसर्च है जो कि करी गई थी, जिसमें बताया गया कि अगर आप रोलर कोस्टर पर राइड करते हो, ओके, और आगे की तरफ बैठते हो, तो आपके किडनी स्टोन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप इतना ऊपर नीचे होते हो तो बॉडी का भी पार्ट हिलता है और स्टोन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है गाइज, तो बताया गया कि किडनी मॉडल किडनी के ऊपर किया गया 64 किडनी स्टोन जो है वो पास हो गए थे जो आगे की साइड पे बैठे हुए थे। आगे बात करते हैं गाइज, अगर आप इंडिया में कोई भी जॉब कर रहे हैं तो अगर आप 500 रुपये पर मंथ के अंदर किसी बच्चे के एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं तो आप हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे 500 रुपये पर मंथ में एक बच्चे को आप एजुकेशन दे सकते हैं पर मंथ के, आपको उसकी पूरी डिटेल अवेलेबल पर मंथ के तौर पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आप अपने शहर के अंदर छोटे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, उन बच्चों का अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप वॉलंटियर का फॉर्म फिलअप करके भी कर सकते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मालूम ही है ये नया चैनल है इंडिया करंट अफेयर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके लिए अनअकैडमी दोस्तों, अनअकैडमी प्लस है जो कि आप ले सकते हैं, आपके घर बैठे तैयारी आप कर सकते हैं। आपको SSC, UPSC, बैंक, गेट, IES, CAT, जो भी एग्जाम की तैयारी करनी है सेलेक्ट करिए, प्लस भी जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन 12-24 महीने पर, और नीचे BHU 10 है जो कि आपको लगाना है। BHU 10 लगाते हैं आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आज का पहला सवाल देखते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल है, सिल्वर लाइन किस राज्य में बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, कितने, ठीक है, कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के, कौन से राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क जो कि मैंडेटरी किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जो कि है वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीजा वुड सेट किसके द्वारा लॉन्च करी गई। नेक्स्ट है, जो कि यूके और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, कौन से देश के साथ में इन्होंने किया है ये आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, USR एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है यूनेस्को का, ये कितने सालों में पब्लिकेशन है जो कि किया जाता है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।